बहुत बहुत स्वागत है ब्रेक के बाद आपका, और आप सुन रहे हैं रेडियो खांची 90.4 एफएम, हम सबका रेडियो। और वक्त है डॉक्टर्स टाइम, और आज कैंसर डे भी है, 4 फरवरी है, और इसलिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आकांक्षा आनिया जी, जो कि एक ऑन्को डिग्लुटोलॉजिस्ट है, साथ ही साथ स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट भी है। तो मैम, ब्रेक में जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे, डिग्लुटोलॉजिस्ट है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, क्या इसमें स्कोप हो सकता है, क्या फ्यूचर हो सकता है। तो अब जो बात आती है पेशेंट, किन पेशेंट को आप लोग ट्रीट करते हैं और किस प्रकार की बीमारियां इससे ठीक होती हैं? जी बिल्कुल। हमारे पेशेंट्स जो होते हैं वो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक जाते हैं। अच्छा। यानी कि पेडियाट्रिक, अडल्ट एंड जेरियाट्रिक, अगर मैं अंग्रेजी में कहूँ तो। जैसा मैंने आपको बताया, जिन बच्चों को कैंसर नहीं भी है बट फिर भी उनको बातचीत करने में दिक्कत है तो हम उनको ट्रीट करते हैं, और जिसमें बहुत सारे डिसऑर्डर्स आते हैं, आपने भी सुना होगा, यदि किसी से मिले होंगे। कुछ बच्चे होते हैं जो अपनी ही दुनिया में विलीन रहते हैं, उन्हें किसी से मिलना पसंद नहीं, किसी से बातचीत करना पसंद नहीं है, उनकी एक अपनी दुनिया है जिसमें वो खोए रहते हैं, तो ऐसे बच्चे होते हैं। फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके जन्म से ही उनको ब्रेन में कुछ परेशानी होती है या पैल्सी होती है, जिसके वजह से वो उनका एरिया डेवलप नहीं कर पाता है लैंग्वेज का। फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बातचीत करने में हकलाते हैं या कुछ गलत बोलते हैं या फिर मिस प्रोनंसिएशन करते हैं, वो हैं। यदि मैं अडल्ट में जाऊं तो स्टैमरिंग एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है आजकल के यूथ में। या मैम यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको रोकना चाहूंगी, स्टैमर जो होता है वो बहुत प्रकार के होते हैं। लोग एक होता है जो कंटिन्यू स्टैमर करते हैं, एक होते हैं जो कभी कभी स्टैमर करते हैं, किसी किसी खास वर्ड पे स्टैमर करते हैं। तो इसको थोड़ा सा ब्रीफ में, स्टैमरिंग को थोड़ा सा अच्छे से आप डिफाइन करके बताइए। जी बिल्कुल। स्टैमरिंग एक ऐसी परेशानी होती है, मैं एक बीमारी नहीं कहूंगी, ये बीमारी बिल्कुल भी नहीं होती है। इसका इलाज पूरी तरीके से कर सकते हैं, और ये एक बिहेवियर होता है जो समय के साथ इंसान अडेप्ट कर लेता है। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। यदि आपको किसी से बहुत डर लगता है, यदि आपको स्टेज में बोलने में डर लगता है, यदि आपको पब्लिक स्पीकिंग में प्रॉब्लम है, तो मैम ये भी स्टैमर में आ जाते हैं? नहीं, ये स्टैमर में नहीं आता है। उस समय अगर आप हकलाते हैं या किसी बात पर रुकते हैं या अटकते हैं, तो इसमें बहुत सारे वेरिएशन होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप सिर्फ एक शब्द पे अटकेंगे। यस मैम। कभी कभी ऐसा होता है कि आप सिर्फ एक साउंड पे अटकेंगे। साउंड से मेरा मतलब था, बहुत लोग सिर्फ क क, यदि मैं आपको याद दिलाऊं तो बहुत ही फेमस शाहरुख खान का जो डायलॉग है, किरण। सो वो मतलब एक तरीके का, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि शाहरुख खान उस मूवी में स्टैमर कर रहे थे, मैं आपको बिल्कुल समझाने की कोशिश करूंगी एग्जांपल के तौर पे, कि वो किसी साउंड पे हो सकता है, किसी वर्ड पे हो सकता है, किसी सेंटेंस पे हो सकता है, या कोई बात पर्टिकुलर, कोई एक सिचुएशन पे भी, आप कहीं पे भी अटक सकते हैं। मतलब स्टैमर मतलब लगातार अगर आप स्टैमर कर रहे हैं वो भी एक स्टैमर है, और कहीं पे अगर आप अटक रहे हो तो वो भी स्टैमरिंग होता है। जी। तो मैम किस तरह के पेशेंट आते हैं और किस तरह का ट्रीटमेंट होता है? उनके लिए देखिए, तो स्टैमरिंग जैसे मैंने बताया एक बिहेवियर है, तो उस बिहेवियर को हटाने के लिए पहले समय लग जाता है। तो उनको सिखाना पड़ता है कि, और रूल आउट करना पड़ता है कि क्या असल में एक अंडरलाइंग कॉज है जिसके वजह से आप स्टैमर कर रहे हैं, जैसा कि आपने बताया। तो उसी में साइकोलॉजी भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और यदि कोई बहुत सीवियर स्टैमर करता है या बहुत ज़्यादा उसको परेशानी है उस लेवल पर, तो कभी कभी हम एक साइकोलॉजिस्ट की भी मदद लेते हैं उसके मन का वो डर या वहम निकालने के लिए। तो मैम अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका ट्रीटमेंट कितना लंबा चलता होगा स्टैमरिंग का? जी बिल्कुल। जैसा मैंने आपको बताया कि डिपेंड करता है कि उनको किस लेवल का प्रॉब्लम है, वो माइल्ड है या उससे थोड़ा ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा है सीवियर। तो उसके ऊपर डिपेंड करके कुछ एकाध सेशंस होते हैं जो हम करवाते हैं, जो भी हमारे पेशेंट्स होते हैं। अच्छा। और उनको सिखाते हैं कि कैसे बात करना है, विच इज़ अगेन एन ऑनगोइंग प्रोसेस, क्योंकि उसके बाद उस व्यक्ति को डिस्चार्ज होने के बाद उसको लगातार काउंसलिंग में किया जाता है। जी। तो मैम मेरा जो प्रश्न था मैं उस पे आती हूँ कि किस टाइप के पेशेंट्स का किस तरह से ट्रीटमेंट होता है। तो आप बता रही थी कि जो बच्चे होते हैं उसमें ज्यादातर स्टैमर देखा जाता है, देन उसके बाद अडल्ट तक आपने बताया था। मैम आगे क्या होता है? आगे जैसे जेरियाट्रिक केसेस में जनरली आपने देखा होगा कि स्ट्रोक एक बहुत ही कॉमन बीमारी है आजकल। लोगों को स्ट्रेस इतना ज्यादा हो जाता है कि एक उम्र में जाने के बाद 60+ लोगों को ये स्ट्रोक हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि आपका ब्रेन का एक एरिया, लैंग्वेज एरिया इफेक्ट हो जाता है, और जिसके वजह से
से आप बातचीत करना भूल जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बात करना जानते नहीं हैं, बस उस समय के लिए वो एरिया काम करना बंद कर देता है, तो उस एरिया को एक्टिवेट करना पड़ता है। उसके भी फिर डिफरेंट टाइप्स होते हैं कि आपको कौन से लेवल का प्रॉब्लम है, तो उन लोगों को भी हम ट्रीट करते हैं जिसको हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कहते हैं। अच्छा। फिर ऑन्को में अगर मैं बात करूं तो बहुत बड़ी चीज़ है, जब किसी को मुंह या जबड़े का कैंसर होता है तो उनका जब कुछ भाग निकाल दिया जाता है तो यदि आप सर्जरी लेते हैं तो 60% तक प्रॉब्लम आता है आपको बातचीत करने में या स्वॉलो करने में। यदि रेडिएशन है तो 100% तक आने की उम्मीद रहती है, लेकिन बहुत सारे केसेस में सर्जरी के साथ रेडिएशन दोनों ही लेना पड़ता है, तो उसमें 100% तकलीफ हो ही जाती है बातचीत करने में या खाना निगलने में। तो वो भी एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, जब हम उसकी ट्रीटमेंट करते हैं तो हम उसको स्पीच थेरेपी या स्वॉलोइंग थेरेपी बोलते हैं। और जिनको गले का कैंसर है, गले का कैंसर से मेरा मतलब था कि गले में किसी तरह का कैंसर होता है तो हमारा वॉइस बॉक्स होता है, ठीक है, जिसको हम ध्वनि पेटी भी बोलते हैं। जी बिल्कुल। तो जब किसी कारणवश वो ध्वनि पेटी निकाल के हटा दी गई है क्योंकि उसमें कैंसर है, बिल्कुल, तो क्योंकि इलाज जो है वो ज्यादा जरूरी है, कैंसर को निकालना ज्यादा जरूरी है, तो उस समय क्या होता है कि बहुत लोग रिहैबिलिटेशन को नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो उसकी आवाज चली जाती है। बट ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति बात नहीं कर सकता, उसके लिए भी एक अलग से डिवाइस आता है जिसको हम प्रोस्थेसिस बोलते हैं, वॉइस प्रोस्थेसिस। अच्छा। जिसके थ्रू हम उसको बात करना सिखा सकते हैं, पहली चीज। दूसरा जो एक आता है उसको हम इलेक्ट्रोलैरिंग्स बोलते हैं, सो इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल लैरिंग्स। तो सीधी भाषा में मैं बोलूँ तो वो ध्वनि पेटी के जैसा काम करता है, तो आपकी स्पीच रोबोटिक आती है लेकिन आप बात कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका ध्वनि पेटी निकाल दिया गया है तो आप केवल पेन और पेपर से ही बात करेंगे, आप आवाज़ में बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट से मिलना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी, उनको अपनी परेशानी समझानी पड़ेगी। जी बिल्कुल। तो उनको हम ट्रीट करते हैं। जी मैम, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि अगर कोई पोस्ट कैंसर के बाद अगर कोई आता है, अगर उसे ट्रीटमेंट चाहिए, तो बहुत सारे लोग थके हारे होते हैं, वो बिल्कुल भी उम्मीद खो जाते हैं। उनके लिए एक बड़ा अच्छा उम्मीद का आपने एक किरण बताया है कि आप उसके बाद भी बोल सकते हैं। तो मैम आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। उदास क्यों है? अकेला है? अरे पगले, दुनिया में कोई अकेला भी है? तेरे हम सफर, गीत है तेरे, गीत ही तो जीवन, मीत है तेरे। तेरे हम सफर, गीत है तेरे, गीत ही तो जीवन, मीत है तेरे। कानक में प्यार के तू गाए जा, गाए जा और मुस्कुराए जा। तेरे हम सफर, गीत है तेरे, गीत ही तो जीवन, मीत है तेरे। गाओ गाओ। मैं? हाँ हाँ गाओ ना, और फिर देखना दुनिया में जहां भी चले जाओगे चारों तरफ खुशी खुशी फैल जाएगी। हाँ। तेरे हम सफर, गीत है तेरे, गीत ही तो जीवन, उम्मीद है तेरे। आनंद में प्यार के फुगाए जा, गाए जा और मुस्कुराए जा। तेरे हम सफर, गीत है तेरे, गीत ही तो जीवन, उम्मीद है तेरे। Thank you.
यहाँ क्यों लाया गया है? मेरा अपराध क्या है? जानते नहीं, हमारी रियासत में गाना मना है, हंसना मना है। मगर महाराज, गीत और संगीत तो जीवन के सच्चे साथी हैं। मेरा संगीत, मेरा जीवन, मेरी बेटी है, जो न बोल सकती है न गा सकती है, इसीलिए यहाँ हंसने और गाने की सजा मौत है। ले जाओ इसे। शहजादी हुस्न की देवी, ऐ मूरत खामोशी की कितनी प्यारी सूरत लेके, काश के तू भी मेरे सुर में गा सकती, हर दिल को दीवाना तू बना देती जाने मन, हर दिल को दीवाना तू बना देती जाने मन। तेरे हम सफर गीत है तेरे, गीत ही तो जीवन उम्मीद है तेरे। गाओ गाओ ना, शाबाश। तेरे हम सफर गीत है तेरे, शाबाश। तेरे हम सफल गीत है तेरे, गीत ही तो जीवन मीत है तेरे। ओ नगमे प्यार के तू गाए जा और मुस्कुराए जा। तेरे हम सफल गीत है तेरे, गीत ही तो जीवन मीत है तेरे। गीत सुना के साथ बजा के
पलकों पलकों दुखियों का दिल बहला दे, ओ गीत सुना के साथ बजा के, पलकों पलकों दुखियों का दिल बहला दे। कोई काम कर गए हम तो ये जाने दुनिया में, कोई काम कर गए हम तो ये जाने दुनिया में, तेरे हम सफल गीत है तेरे, गीत ही तो जीवन गीत है तेरे, नगमे प्यार के पुकारे जा, गाए जा और मुस्कुराए जा, तेरे हम सफल गीत है तेरे, बहुत बहुत स्वागत है रेडियो खांची 90.4 एफएम हम सबका रेडियो में, और शो चल रहा है डॉक्टर्स टाइम। डॉक्टर्स टाइम में आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आकांक्षा आनिया, जो कि ऑन्को डिग्लुटोलॉजिस्ट हैं और साथ ही साथ स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट भी हैं। तो मैम, ब्रेक में जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे जो पेशेंट्स होते हैं जिनका जो थ्रॉट का कैंसर होता है, उनमें क्या होता है कि ऑडियो बॉक्स निकाल दिया जाता है। तो अगर हम लोग एक प्रसिद्ध हस्ती की बात करें डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग, इनके भी साथ शायद यही प्रॉब्लम था, आप इस पे थोड़ा सा बताएं। जी बिल्कुल। सो स्टीफन हॉकिंस की जैसे आपने बात करी है, तो मैं आपको बता दूं कि उन्हें ये परेशानी नहीं थी, वो एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन से जूझ रहे थे, तो वो बिल्कुल भी कैंसर से रिलेटेड नहीं था। बट हाँ, वो अपनी कम्युनिकेशन के लिए कुछ डिवाइस यूज़ कर रहे थे। अच्छा। जिसको हम कहते हैं AAC, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑगमेंटेटिव एंड ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन। अच्छा। सो ये एक डिवाइस है जो कि पेशेंट तब यूज करता है जब वो बात करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं रहता है। ठीक है। तो उस समय जब पेशेंट को कुछ कम्युनिकेट करना होता है और उसके पास बहुत सारी बातें होती हैं करने के लिए, तो उनको AAC दिया जाता है। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, इट इज़ ऑगमेंटेटिव एंड ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन, मतलब आपकी ज़रूरत के अनुसार इसको कस्टमाइज करके आप बना सकते हैं। आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या लोगों से बातें करनी है, उस हिसाब से इसके पिक्चर्स होते हैं जो आप लगा सकते हैं। तो हम जब लोअर स्टेज की बात करें, जो स्टीफन हॉकिंग्स यूज़ करते थे वो काफ़ी हाईटेक था, लेकिन अगर हम लोअर लेवल पे बात करें तो हम वो जो डिवाइस है वो हम बच्चों के माता पिता को समझाते हैं। जनरली हमारे पास भी ऐसे बच्चे आते हैं जो कि बहुत सीवियर लेवल के, अगर ऑटिस्टिक हैं, ऑटिज्म की अगर मैं बात करूं तो उन बच्चों में ये इस्तेमाल होता है। तो उनकी ज़रूरतों के अनुसार आप वो फ़ोटो उसमें लगाते हैं और बच्चों को पॉइंटिंग सिखाते हैं कि आपको कब क्या चाहिए। सो बच्चे बात करते हैं पिक्चर्स के थ्रू। तो ये पिक्चर बस एक एग्जांपल है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उसमें इस्तेमाल होती हैं। ओके मैम। तो मैम, बात अगर कैंसर ट्रीटमेंट की अगर हम लोग करते हैं, तो रिहैब के अलावा भी क्या कुछ संभावना है यहाँ? जी बिल्कुल। तो जो हेड एंड नेक कैंसर से पीड़ित व्यक्ति होता है, जब उनकी ट्रीटमेंट होती है, ट्रीटमेंट से मेरा मतलब था यदि उनकी सर्जरी होती है, रेडिएशन होती है या फिर दोनों होती है, उसके बाद जब कैंसर का ट्रीटमेंट हो जाता है, मतलब कैंसर आपके शरीर से निकल गया है और डॉक्टर ने आपको ऑन्कोलॉजिकली क्लियर बता दिया है कि अब आपके शरीर में कैंसर नहीं है, बट उसके वजह से आपने देखा होगा काफ़ी डिफॉर्मिटी होती है, जो है तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है। बिल्कुल। तो उसमें क्या होता है, कुछ परेशानियाँ मैं बताना चाहूंगी, जैसे उनको बातचीत करने में दिक्कत आती है, खाना निकलने में दिक्कत आती है। कुछ रेडिएशन के पेशेंट हैं जो टेस्ट का बहुत कंप्लेन करते हैं, स्वाद कंप्लीटली चला जाता है, यहाँ तक इफेक्ट होता है जी, और स्पाइस इंटॉलरेंस होती है। स्पाइस इंटॉलरेंस से मतलब ज्यादा तीखा नहीं खा सकते, ज्यादा तीखा नहीं, आप हल्का सा नमक भी खाएंगे तो आपके मुंह में जलेगा।
वो इतनी तकलीफ होती है। इनफैक्ट बहुत बार तो पानी भी मुंह में जलता है। बट हम स्पाइस इंटॉलरेंस की बात करेंगे तो हम स्पाइसेस पे फोकस करेंगे कि आप थोड़ा भी स्पाइस ले रहे हैं, हल्दी या जीरा भी ले रहे हैं तो भी आपको तकलीफ होती है। उसके साथ साथ जो प्रॉब्लम हमने देखी है वो है ऑफ कोर्स आपका मनोबल गिर जाता है, जीने की इच्छा नहीं होती है। आप इतनी बड़ी सर्जरी से सक्सेसफुली निकल गए बट फिर भी आपके पास जीने की इच्छा नहीं होती है, आपको तकलीफ इतना ज़्यादा शरीर में रहता है कि आपको लगता है कि मैं लोगों से, एक सोशल स्टिग्मा जो होता है कि मैं लोगों से मिलूंगा कैसे, मैं बात कैसे करूंगा, तो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ ओवरऑल इफेक्ट हो जाती है। प्लस वॉइस में भी प्रॉब्लम आती है, जैसे मैंने बताया कभी कभी तो कम्प्लीटली वॉइस चला जाता है। और कभी कभी छोटा अगर सर्जरी होता है तो वॉइस चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी जो दिक्कतें हैं ये सब उन पेशेंट्स में आती हैं और उनको ट्रीट करने के लिए हम कुछ थेरेपी देते हैं। और एक और बात मैं बताना चाहूँगी कि ऐसे कुछ पेशेंट जिनका कम्प्लीटली आवाज़ चला जाता है उनका कम्प्लीटली स्मेल भी चला जाता है। मतलब आपको जो स्मेल की शक्ति है, सो बेसिकली दैट इज़ वन सेंस आउट ऑफ आर सेंसेस, वो कम्प्लीटली चला जाता है, आपको कुछ स्मेल नहीं आएगा, अच्छा खराब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो उनके लिए भी स्मेल थेरेपी होता है। सो इट इज ऑल अबाउट रिहैबिलिटेशन। तो जब मैं रिहैबिलिटेशन की बात करती हूँ तो मैं इसका मतलब ये है कि आपको किसी भी तरह की दिक्कत है आप अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल पर वापस जा सकते हैं, जो कि कम्प्लीटली नॉर्मल नहीं होगा लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम उसको नियर नॉर्मल लेके जा सके। तो हम स्पीच थेरेपी करेंगे, हम स्वॉलोइंग थेरेपी करेंगे, हम टेस्ट थेरेपी करेंगे, हम स्मेल थेरेपी करेंगे, हम वॉइस थेरेपी करेंगे। मैम ये तो थेरेपी और रिहैब की बात हुई। मैम आगे जो क्वेश्चन है वो मेरा थोड़ा डिफरेंट है, वो ये है कि मैम फिजियोथेरेपी होता है, रेकी होता है, एक्यूपंचर होता है, ऐसे कई प्रकार के ट्रीटमेंट होते हैं जो कि एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए पोस्ट कैंसर ट्रीटमेंट के तौर पे भी यूज़ करते हैं। तो ये किस तरह से डिफरेंट है इन ट्रीटमेंट से जो आपका ऑन्को डिग्लुटोलॉजिस्ट है वो? सो मेरी ट्रीटमेंट जो है दैट इज़ स्वॉलोइंग थेरेपी। सो मेरा थेरेप्यूटिक अप्रोच रहता है हर पेशेंट के साथ। तो जैसे आपने बताया हमारे पास रेकी है या एक्यूपंचर भी है। मैं बेसिकली ये पूछना चाह रही हूँ कि ये किस तरह से बेहतर है इन दूसरे ट्रीटमेंट से, क्यों लोग अगर इन्हें छोड़ के ये ट्रीटमेंट चुने? एक कोई बेसिक जी बिल्कुल नहीं, देखिए बात किसी और ट्रीटमेंट को छोड़ के किसी और ट्रीटमेंट पे जाने की नहीं है। हर ट्रीटमेंट आपको कहीं ना कहीं आपको बेहतर बनाने के लिए होता है और हर ट्रीटमेंट का अपना डोमेन होता है जो कि दूसरा नहीं कर सकता है। जैसे कि यदि आप फिजियोथेरेपी की बात करें तो फिजियोथेरेपी आपको चलना फिरना दौड़ना सिखा सकता है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो कर सकते हैं, तो मैंने बहुत कम बताया। लेकिन स्पीच में प्रॉब्लम है तो वो नहीं क्लियर कर सकते हैं, वो आपको नहीं सिखा सकते हैं बिकॉज ये उनका डोमेन नहीं है। अगर आपको टेस्ट में प्रॉब्लम है तो वो हेल्प नहीं कर पाएंगे। वैसे ही अगर आप रेकी या फिर आपने जो बोला एक्यूपंचर की बात करें, अगेन दोज थेरेपी आर फॉर डिफरेंट डिसऑर्डर्स, इट डज नॉट कम विथ स्पीच थेरेपी। स्पीच थेरेपी बहुत ही अलग है, स्पीच एंड स्वॉलोइंग थेरेपी बहुत ही अलग है बाकी सारी थेरेपी से। इन ट्रीटमेंट पर से हमारा एरिया ही अलग है, ऐसा नहीं है कि हम कंपेयर करेंगे एक्यूपंचर जैसे आपने बोला या रेकी या फिर फिजियो या ये नहीं। हम बहुत सबके सब अलग अलग डोमेन में काम करते हैं लेकिन ये कॉमन है कि हम सब रिहैबिलिटेशन के लिए काम करते हैं। बिल्कुल इस बात से मैं अग्री करूंगी, लेकिन हम एक दूसरे के साथ कंपेरेबल नहीं है और कोई भी ट्रीटमेंट किसी से बेहतर नहीं है। लेकिन यदि आपको कुछ रिजल्ट चाहिए वो पर्टिकुलर रिजल्ट आपको उसी ट्रीटमेंट से मिलेगा, इस बात की मैं आपको ये दे सकती हूँ। ओके, मतलब हर जो डोमेन है उनका अलग अलग अपनी अपनी खासियत है तो इसे किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन आपके चॉइस पे है कि आप किस पे भरोसा करते हैं। और जैसे कि एक सिंपल सी मैं एग्जांपल ले लूँ, जैसे स्टैमरिंग की आप बात करेंगे तो स्टैमरिंग में भी ये रेकी थेरेपी या फिर आपका एक्यूपंचर वगैरह कराया जाता है। तो मेरा ये कहना है कि आप ज़रूर चुनिए जो भी ट्रीटमेंट आपके इच्छा से है आप ज़रूर करिए, लेकिन आपको ध्यान देना है कि आपको उस परेशानी को जड़ से हटाना है। अब आपके लिए जो ट्रीटमेंट काम करे वही सही है। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो मैम चूंकि अब कैंसर की बात हो रही थी, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं खासकर बच्चे होते हैं जिन्हें कैंसर नहीं होता है और फिर भी वो स्टमर करते हैं, और बहुत सारे ऐसे एडल्ट्स में भी ये प्रॉब्लम देखा जाता है कि उनके नेक में ये प्रॉब्लम होती है कि वे, और बोलने में भी ये प्रॉब्लम होती है कि वे बार बार स्टमर कर रहे हैं या फिर ऐसे कई सारे स्पीच रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं। तो मैम इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है और ये क्यों होता है?
देखिए क्यों होता है इज़ अगेन, जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे रीजंस हैं, साइकोलॉजिकल उसमें से एक रीज़न है, न्यूरोलॉजिकल भी कंडीशंस होता है कि पहले आप ठीक बोल रहे थे बट अचानक कोई नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम है, जैसे कि आपको चोट लग गई या आप गिर गए या आपको ऑपरेशन हुआ. सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिसके वजह से एरिया इफेक्ट हो जाता है. और सबका ट्रीटमेंट जो होता है अलग अलग अप्रोच होता है डिपेंडिंग अपॉन आपको क्या प्रॉब्लम है और कितनी सीवियर है वो प्रॉब्लम. सो हो सकता है कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हो सकता है आपको किसी व्यक्ति को देख करके ऐसे तो वो नॉर्मल बात कर रहा है, लेकिन मेरे बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे रहे हैं जिन्हें ऐसे आम दिनचर्या में कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन यदि उनको जीवन में अपने लिए जॉब स्विच करना है और जब इंटरव्यू की बात आती है तभी सिर्फ दिक्कत है. अच्छा. या फिर ऐसे सब ठीक है, वो एक फर्म में कम से कम 30 साल से काम कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन जब जब प्रेजेंटेशन देने की बारी आती है बॉस के सामने तब वहाँ पर अटकेंगे. या फिर इंट्रोडक्शन देने की बारी है, हो सकता है मेरे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको अपनी सिर्फ इंट्रो में, मतलब अपना सिर्फ नाम बताने में ही तकलीफ है, उसके बाद वो सब संभाल लेंगे लेकिन नाम बताने में सिर्फ तकलीफ होगी. तो आप नहीं बता सकते हैं कि किस व्यक्ति को एग्जैक्टली कौन सा प्रॉब्लम है और कब वो प्रॉब्लम आएगा. तो जिनको ये परेशानी होती है वो ऐसा कंप्लेन हमारे पास लेकर आते हैं और हर का अलग अलग तरीका होता है कोपिंग करने का. कोपिंग से मेरा मतलब था, तो जब आप हमारे पास आएंगे हम आपको कोपिंग करना सिखाएंगे या हम आपको कोई स्ट्रैटेजी बताएंगे डिपेंडिंग कि आपका क्या परेशानी है, और उसके बाद धीरे धीरे उसको हटाने की कोशिश करेंगे. सो द बिगेस्ट थिंग व्हेन यू वांट टू लर्न इज समथिंग दैट यू हैव टू अनलर्न फर्स्ट. पहले भूलना पड़ेगा उसके बाद ही मैं आपको कुछ सिखा सकती हूँ. तो पहले तो हम उसको भूलना सिखाते हैं कि आपने जो इतनी तरीके सीख रखे हैं, जैसे कि आप मेरे पास इतने दिनों बाद आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मुझे आया और मैं तुरंत निकल के आ गया. बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बात करना नहीं चाहते हैं, बहुत दिन तक अवॉइड करते हैं, जब तक बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन नहीं आ गया तब तक नहीं आए. बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जैसे मैं मुंबई में भी काम कर रही थी तो वहाँ पे हमारे पास ऐसे पेशेंट्स होते थे जो सिर्फ डायलॉग डिलीवरी के टाइम उनको प्रॉब्लम होती थी. तो हमारे पास स्क्रिप्ट लेकर आएंगे, जैसे सावधान इंडिया और ये सब शोज होते हैं, तो सिर्फ स्क्रिप्ट लेकर आएंगे कि मैडम आप ये स्क्रिप्ट बस हमें बोलना सिखा दो क्योंकि हमें ये शो करना है, ये पार्ट करना है. तो डिपेंड करता है कि किस व्यक्ति को कहाँ प्रॉब्लम है, हम क्लासिफाई नहीं कर सकते एक साथ. अच्छा, तो मतलब अगर कैंसर के अलावा भी कुछ प्रॉब्लम है तो उसका भी ट्रीटमेंट काफी अच्छे से किया जा सकता है, बस जरूरत है, वो आपकी जरूरत है कि लोग पहचाने और इस ट्रीटमेंट को बढ़ावा दें और आए, जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनके पास आए. तो मैम चूंकि अब टाइम भी हो चुका है और मैं जाते जाते बस आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ जो काफी इम्पोर्टेंट है, कि रांची को आपने इस फील्ड के लिए क्यों चुना? जी बिल्कुल. सो रांची, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं अभी रांची में HCG हॉस्पिटल भी जा रही हूँ, HCG हॉस्पिटल इरबा, जो कि कैंसर इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे मैं एज अ कंसल्टेंट ऑन्कोडिग्लुटोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ, और उसके अलावा मेरा अपना प्राइवेट प्रैक्टिस भी है. तो रांची चुनने का सबसे बड़ा कारण ये था कि जब मैं इसके पहले अपने कोर्स के संबंधित बैंगलोर में काम कर रही थी तो मैंने देखा कि साउथ इंडिया में बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं वो नॉर्थ के जाते थे. साउथ में जो है इसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा दिया जाता है, नॉर्थ में कहीं ना कहीं ये चीज़ मार खा जाती है. मतलब मेरे पेशेंट्स आके उधर बोलते थे कि मैडम हमारे पास तो उधर कोई है ही नहीं, तो आप जो हमें इतनी चीज़ें बता रही हैं, हम जब वापस जाएंगे तो वहाँ हमें कौन देखेगा, हम क्या करेंगे? Exactly. तो हम उसको फॉलो अप कैसे करेंगे? और देखिए रिहैबिलिटेशन, जब एक व्यक्ति जब कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए निकलता है तो अपने पीछे वो काफ़ी बैगेज और रिस्पॉन्सिबिलिटी निकलता है. सब जानते हैं कि वो इतना आसान नहीं है, उसमें खर्च भी ज़्यादा है, मेंटली फिजिकली फाइनेंशियली हर तरीके से आपका बहुत खर्च है. तो उसके लिए उस समय पे उसको रिहैबिलिटेशन के लिए तैयार होना और भी टफ हो जाता है, और ख़ासकर में जब वो सुविधाएं आपको आपके घर के तरफ ना मिले. तो ये एक कारण था जो मुझे वहाँ से यहाँ खींच के ले आया. मेरे पेशेंट्स एक कारण थे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको मेरी ज़रूरत थी, ये पहला. दूसरा कारण ये था कि मैं रांची में ही मेरी स्कूलिंग और बाकी सारी पढ़ाई हुई है, तो इस शहर ने मुझे बहुत कुछ दिया है और अब समय है कि मैं इस शहर को वापस करूं कुछ दूं. अपने ट्रीटमेंट के थ्रू मैं जो भी मदद कर पाऊं वो मैं करना चाहती हूं. तो इसके लिए भी एक रीज़न है कि मैं रांची चुनी हूं और इधर आके काम कर रही हूं, क्योंकि लोगों को ज़रूरत है और उनके पास ऐसा कोई है नहीं जो उनको बता सके या रास्ता दिखा सके कि आपके लिए ट्रीटमेंट संभव है, बस आपको सही व्यक्ति के पास जाने की ज़रूरत है.
बिल्कुल मैम, और बहुत अच्छी बात आपने कही कि हमारे जो लोग हैं यहाँ पे काफ़ी कमी है ऐसे, और ख़ासकर नॉलेज भी बहुत लोग को नहीं होता है, तो यहाँ पे बहुत ज़रूरत है आपकी, तो यहाँ पे ट्रीटमेंट जो है वो काफ़ी ज़रूरी हो जाती है। वैसे लोग जो खासकर जो कैंसर से निकल के आते हैं उसके बाद वे जब रिहैब की बात करते हैं तो उनमें कॉन्फिडेंट नहीं होता, तो उनके लिए आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं मैम। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतना टाइम दिया और इतनी अच्छी बातें हमें बताई, और इतना टाइम निकाल के आप हमारे रेडियो खांची 90.4 FM के स्टूडियो में आप आई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये इनिशिएटिव लिया है लोगों को बताने का। आपके थ्रू बहुत लोग हैं जिनको ज़रूरत है और उन तक ये बात पहुँचेगी, और ज़रूर वो चाहेंगे अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना, तो उनको बहुत मदद मिलेगी। और साथ ही मैं एक और बात यहाँ ऐड करना चाहती हूँ कि यदि आप ये कोर्स पढ़ने की कोशिश करते हैं या आपको लगता है कि आप पढ़ सकते हैं, तो जैसे आपने पूछा था कि इसका एरिया कहाँ कहाँ पर है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो वो एक स्कूल में भी काम कर सकते हैं, एक नॉर्मल स्कूल में या एक स्पेशल स्कूल में काम कर सकते हैं, हॉस्पिटल सेटअप में आप काम कर सकते हैं, आप क्लिनिक्स में काम कर सकते हैं, और आप एक कैंसर सेटअप में भी काम कर सकते हैं, एक जो ट्रॉमा सेंटर होता है जहाँ पे क्रिटिकल केयर के पेशेंट्स आते हैं वहाँ पे भी आप काम कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप अपना प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, मतलब आप अपना एक क्लिनिक ओन करके भी काम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो मतलब मैं चाहूँगी कि लोग इसको ध्यान दें और आगे बढ़ें इस कोर्स को लेकर के, क्योंकि आप काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं इसमें। मतलब अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, कमी है बस ध्यान में, तो ध्यान दीजिए। अगर ये फील्ड आपके इंटरेस्ट का है तो आप ज़रूर इस पर आएँ, क्योंकि अपॉर्चुनिटी काफ़ी बड़ी है और ज़रूरत है लोगों की। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप इतना टाइम निकाल के आपने हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी डॉक्टर आकांक्षा आन्या, जो कि एक ऑन्को डिग्लुटोलॉजिस्ट थी, साथ साथ स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट भी थी। इन्होंने काफ़ी कुछ हमें बताया पोस्ट कैंसर ट्रीटमेंट के बारे में। तो इसी तरह की जानकारी के लिए सुनते रहिए रेडियो खांची 90.4 FM, हम सबका रेडियो।